मैम हम चलेंगे, नंबर है ठीक है, ठीक है जी। हमारा नाम रवि कुमार है दीदी, हम लोग यहाँ काम करते हैं दलाई लामा सोसाइटी में। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ प्रचार के लिए आप लोगों के लिए रखे गए हैं। अच्छा अच्छा, तो दलाई लामा सोसाइटी में मतलब गाइड का ही आप काम करते हैं? गाइड का काम नहीं, हम लोग ग्रामीण बुनकर वाले हैं, हम लोग बुनकर वाले हैं। अच्छा अच्छा, कभी कभी हम लोगों को यहाँ पे जैसे मन, जैसे 3 महीने 4 महीने टूरिस्ट लोग, अभी कोविड चला तो पूरे बंद कम है, हाँ, तो इसके वजह से फिर हम लोग अभी लगाए गए हैं ताकि कुछ आगे कार्य हम लोग का चले, रोजी रोटी चले। अच्छा, और अच्छा, 7,500 लोग हैं, सबका काम चले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बुनकर वाले ही हैं। बुनकर वाले मतलब सिल्क, जानते हैं सिल्क? सिल्क, हाँ हाँ, तो सिल्क के कपड़े हम लोग बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं, सिल्क बनारसी सिल्क, जैसे बनारस की साड़ी वगैरह। समझ गई समझ गई समझ गई, संबंधित सारे चीज बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे देखिए जो सारनाथ है ये पूरा बुद्धा का प्लेस है। हाँ जी, बौद्ध धर्म का तीसरा तीर्थ स्थल है। अच्छा, बौद्ध धर्म में 4 प्लेस मुख्य है जो इनका तीर्थ स्थल है। ओके, और इन 4 प्लेस का पेंटिंग मंदिर पे दिखाया गया। अच्छा, इसमें 4 पेंटिंग है। पहला पेंटिंग लुम्बिनी का है, नेपाल कपिलवस्तु, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके, बीच में जो है ये बौद्ध गया का है, बिहार। गया में पीपल ट्री के नीचे गौतम बुद्ध को बौद्धि तत्व का ज्ञान मिला था। अच्छा, 5 लोगों के साथ जो देख रहे ये सारनाथ का है। ओके, यहाँ पर उन्होंने प्रथम उपदेश किए थे अपने 5 मित्रों को। अच्छा, उनका नाम था अश्वजीत, महानामा, कौंडल्य, भज्जी, आनंद बप्पा। ओके, स्लीपिंग मुद्रा जो देख रहे हैं ये कुशीनगर है, गोरखपुर। यहाँ पर अपने शरीर को छोड़ दिया, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। अच्छा, ये इनके मुख्य तीर्थ स्थल है। ठीक है, इन्हीं 4 प्लेस पे सभी बुद्धिस्ट लोग पग यात्रा करते हैं। ओके ओके, आप इधर से आए हैं, इस तरफ से आए? हाँ, वाराणसी से आई इस तरफ। तो से आप आते समय कुछ दूर पीछे स्तूप देखे ईंटों का? हाँ 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 हाँ, इस तरफ ईंटों का टीला खूब ऊंचा सा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहाँ पर जो स्तूप आपने देखे हैं, हाँ जी, वो 2300 साल पहले बनाया गया था। 2300 ईयर्स ओल्ड। ओके, मौर्य पीरियड में चक्रवर्ती राजा अशोक ने उसका शिलान्यास कराए थे। हाँ जी, और उसकी जो हाइट है वो गुप्ता पीरियड के राजाओं ने कराया, और उसकी अभी हाइट है 96 फीट। और उसका डायमीटर है 93 फीट। ओके, पर उसके अंदर जाने के लिए कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, पूरा सॉलिड बनाया गया, एकदम ठोस बनाया गया। अच्छा, और एक स्तूप देखिए ये सामने दिख रहा है वहाँ पर। हाँ, एक वो दिख रहा है जी, इसे धर्म चक्र पवतन स्तूप कहते हैं। हाँ जी, इस जगह पर गौतम बुद्ध जी अपने 5 मित्रों को पहला उपदेश दिए थे। अच्छा, तो उस जगह पे कोई ना जाए, उस जगह को कोई अपवित्र ना करे। हाँ जी, तो गौतम बुद्ध के अवशेष रख कर के तब ये स्तूप बनाया गया। अच्छा, और इसकी हाइट है 104 फीट। 104 फीट, ये भी पूरा सॉलिड बनाया गया है। हाँ जी, इसमें भी जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, बुद्धिस्ट लोग केवल परिक्रमा करते हैं बाहर से जी, और पार्क में बैठ करके ये बोलते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। उधर भी है, नमो तस्व भगवतो अरहतो सम्म बुद्धस्, तो इस तरह का लोग प्रेयर करते हैं। ओके, और ये पीपल ट्री है, ये ट्री को गया से लाया गया था, इसे 1964 में यहाँ पर लगाया गया। 1964 महाराष्ट्र के बौद्ध भिक्षुक थे सासर रश्मि जी, उनके द्वारा। अच्छा, और ये बुद्ध की ही प्रतिमाएं हैं सभी, पर अलग अलग मुद्राओं में इन्हें दिखाया गया। जैसे पीछे वाले प्रतिमा को कहते हैं सील समाधि ध्यान मुद्रा। अच्छा, गौतम बुद्ध जी 6 ईयर्स मेडिटेशन किए, यानी ध्यान किए थे बौद्ध गया में। ओके, ये बोलते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा, श्रावस्ती के जंगलों में उंगली माल डाकू रहता था। हाँ जी, वो इंसानों को मारने के बाद उसकी उंगली काट करके मालाएं बनाकर पहनता था। अच्छा, तब गौतम बुद्ध ने अभय का ज्ञान दिए थे, तो ये प्रतिमा बनाया गया। अच्छा, उस तरफ का और ये वाला दोनों एक जैसा है। हाँ जी, अच्छा, कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, इस तरह से ही गौतम बुद्ध जी अपने 5 मित्रों को पहला उपदेश दिए थे सारनाथ। अच्छा, और शिष्य भी बनाए गए हैं छोटे छोटे, नीचे उनके पैर के दिख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, तो भैया ये वाले जो स्तूपा है यहाँ जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। खुले हैं ये? हाँ, खुले हैं।
अच्छा, अभी यहाँ से बाईबाग आप जाएंगे वहाँ से 25 rupees का एक टिकट लेंगे और वहाँ पर जा सकते हैं, उसके पास तक जा सकते हैं, उसका परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। ये मंदिर जो देख रहे हैं इसका जो आर्किटेक्चर, ये थाई कंट्री का है मॉडल, इसका थाई डिजाइन है और इसमें दो पार्ट्स बनाए गए हैं। पीछे साइड मेडिटेशन हॉल है, वहाँ अनदर टूरिस्ट नहीं, केवल मॉन्क्स पूजा करते हैं, मॉन्क्स कहें तो बुद्धिस्ट साधु। समझ गए। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, उसी त्रिपिटक ग्रंथों का लोग पाठ करते हैं। गौतम बुद्ध जी के जीवन से घटी घटनाओं पे 500 जातक कथाएं लिखे गए। अच्छा। उन जातक कथाओं का लोग प्रेयर करते हैं 45 मिनट। ओके। यहाँ फर्स्ट में सभी लोग जाते हैं, इसमें इनका एक ही मूर्ति है, स्टोन का है, इस पे गोल्ड पॉलिश किया गया, इसका हाइट है 9.6। अभी आप यहाँ तक जा सकते हैं केवल सीढ़ियों तक, स्लीपर शूज उतार के। ठीक है। ये कैमरा है भैया, वीडियो कैमरा है, बहुत छोटा सा है, छोटा ही है। हाँ। पर ये महंगा आया होगा। महंगा है। कितने का? ये था 15,000 का, तो बहुत ज्यादा नहीं महंगा। उतना भी नहीं है। हाँ, बस इंडिया में मिलता नहीं है, बाहर से मंगवाना पड़ा। अच्छा, ये बाहर से मंगवाया है, यानी विदेशी चीज है। विदेशी चीज है ये। देखिए लॉकिंग बुद्धा जी है। हाँ जी, ये लॉकिंग बुद्धा का जन्म जो है चाइना में हुआ था, और ये मान्यता है इनका जन्म 7वीं शताब्दी में हुआ था, यानी गौतम बुद्ध से बहुत बाद इनका जन्म हुआ। अच्छा अच्छा। और ये भी बुद्ध के ही स्वरूप माने गए। अच्छा, बुद्ध जैसे के ही। हम लोग अभी शिवा को देखते हैं और भैरव जी को देखते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो शिवा के ही अंश भैरव है। हाँ जी हाँ जी, बुद्धा का और लॉकिंग बुद्ध। ओके, अच्छा, यही मान्यता दी गई, यही मान्यता है। और यहाँ पर जो मूर्ति आप देख रहे हैं ब्लैक वाला, हाँ जी, भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं, भूमि स्पर्श। हाँ, उनमें दाहिना हाथ इनका जमीन पे होता है, धरती माता को प्रणाम करते हैं। अच्छा। दूसरा हाथ इनका नाभि पे होता है। इस मुद्रा में इन्हें बौद्धि सत्व का ज्ञान मिला था, जो ज्ञान प्राप्त किए थे। हाँ जी। इसी मुद्रा में किए थे। अच्छा। बौद्ध गया के जो मेन टेम्पल है महाबोधि टेम्पल, उसमें ऐसा ही मूर्ति इनका बैठाया गया है। ओके, स्पर्श मुद्रा। अच्छा अच्छा अच्छा, बोध गया में। एक न्यूज़पेपर देखने, नहीं आप शायद याद होगा कि नहीं पता नहीं, 2002 में एक मूर्ति तोड़ दी गई थी अफगानिस्तान में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बामियान बुद्धा। हाँ जी हाँ जी, जानते हैं लग रहा है। हाँ जी, तो देखिए ये उसी का रेप्लिका है, वहाँ तोड़ा गया उसके बाद फिर यहाँ बनाया गया। ओ, अच्छा। इसका हाइट 80.9 है, 80 feet 9 inch, और 280 पत्थर इस पे जोड़ कर बनाया गया, एक पत्थर का मूर्ति नहीं है, 280 पत्थर, 280 pieces। और इस मूर्ति को देखिए आशीर्वाद मुद्रा बनाया गया। हाँ जी। बौद्ध गया में सुजाता नाम की एक महिला रहती थी। सुजाता जी, उन्होंने गौतम बुद्ध जी को खीर खिलाया था। अच्छा। तो उसकी व्याख्या और उसकी सुंदरता वो शब्दों में नहीं, इशारों में ही किए थे, अति सुंदर। अच्छा। ये उसी मुद्रा में ही है प्रतिमा। और वो पीपल ट्री के पास मंदिर के अंदर जो आप बुद्ध जी की फिंगर देखे थे वो ऐसे ही साइड से। हाँ जी। और ये जो देख रही है ऊपर से है, अंतर बस इतना ही है। अच्छा। मुद्रा था ये आशीर्वाद मुद्रा। ओके। ये मूर्ति 2011-16 मार्च को बनकर कंप्लीट हुआ है, अभी 9 साल पहले। अच्छा अच्छा। अब इसका फोटो ले लीजिए, तो फिर इसके बाद आपको अशोका पिलर, अशोका चक्र। ठीक है, थोड़ा पास से ले लीजिए। ये ना ताकाई तो नहीं है ना।
कहाँ लेके जाते हो? कहाँ जाएगा? इधर देखिए मोनेस्ट्री है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स बाहर से आते हैं उनको रहने के लिए। अच्छा अच्छा मोनेस्ट्री, ओके ओके ओके। और स्कूल भी इसी में आता है? स्कूल भी है। ओके, विपासना करते हैं? विपासना हाँ सुना है। सुना है, अगर करना चाहे तो यहाँ होता है। 40 डेज का कोर्स है। 40 डेज है, रहने खाने के लिए आपको अपना व्यवस्था करना होगा, खुद से करना होगा। ओके, पर यहाँ होता है महाबुद्धि सोसाइटी का है। अच्छा अच्छा, पवित्र विपासना सेंटर। ओके ओके ओके, आइए हम यहाँ पे पहले इससे बता देखिए। अपने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, हाँ जी, हमारे मुद्राओं के ऊपर और मोहर पे दिखाया गया है। ऊपर की तरफ जो चार सिंह आप देखते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हाँ जी, ये अशोक का प्रतीक है। ओके, चक्रवर्ती राजा थे, चारों दिशाओं में इनका शौर्य था। हाँ जी, नीचे में अलग अलग चार पशु दिखाए गए, इसमें हाथी, नंदी, घोड़ा और सिंह है। ओके, ये बौद्ध का प्रतीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाए थे और उनके प्रचार के लिए पूरे भारत में 84,000 ने मार किए। अशोका ने 5 चीजें बनाए थे, बौद्ध स्तूप, बौद्ध चैत्य, बौद्ध मंदिर, बौद्ध भट्ट, अशोका पिलर। ये 5 चीजें थे पूरे भारत में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और देखिए ये आपका चक्र है, ये चक्र में 24 दिशाएं हैं, 24। हमें 3 चीजें बताते हैं। प्रथम, अशोका के पीरियड में जो भारत का राज्य था वो 24 था, 24 राज्य थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मगर इसमें भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। इसमें देखेंगे बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा देश, तक्षशिला, गांधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये टोटल भारत का अंग था, सब कुछ। हाँ, अखंड भारत। हाँ जी, याद दिलाता है 24 दिन। अच्छा, दूसरा, हमारी घड़ी में 24 घंटे चलते हैं। हाँ जी, ये अशोका के क्रिएट से निश्चित किया गया था। अच्छा, इसके पहले ये घंटे नहीं हुआ करते थे। ओ अच्छा, पहर होते थे, पहर समझते हैं? हाँ जी हाँ जी, एक दो पहर घंटे का होता है। हाँ, और हाँ, एक दिन में 4 पहर होते हैं। हाँ जी हाँ जी, सुबह के पहर, दो पहर, तीसरे पहर, संध्या वेला। हाँ जी, 4 दिन का, 4 रात का होता है। 8 पहर में 3 डिवाइड किए गए और 24 घंटे निश्चित किए गए पीरियड से। तीसरा, हमारे बॉडी में अलग अलग लोगों को अलग अलग बॉडी में अलग अलग गुण या अलग अलग विशेषताएं होते हैं, पर अशोक के शरीर में 24 गुण थे। अच्छा, 24 विशेषताएं थे, इसीलिए एक महान शासक हुआ, एक महान राजा हुआ। हाँ जी, तो उनको गुणों को भी ये दिखाता है, इसीलिए इसे अशोक चक्र कहा गया। और ये हमारे फ्लैग पे यानी झंडे के ऊपर दिखता है। हाँ जी हाँ जी, और ये पैसा। अब दोनों का फोटो, दोनों का मैं वीडियो बना लेती हूँ। चौबीस ये जो चक्र के अंदर बनाए गए हैं, दुनिया में 24 राज्य, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, सब आप कभी यहाँ आने का इच्छा हुआ तो नवंबर महीने में आइए, यहाँ अच्छा रहता है। नवंबर के महीने में? अच्छा अच्छा, मौसम अच्छा। लास्ट कार्तिक पूर्णिमा होता है। हाँ हाँ, कार्तिक मास चलता है, भी होता है। हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ फेस्टिवल मनाते हैं। अच्छा, मोदी जी का यहाँ अवशेष है, उसे निकाला जाता है लोगों को दिखाने के लिए। इसमें देश विदेश से बहुत सारे मॉन्क्स भी आते हैं। मॉन्क्स भी आते हैं इसमें, नाटकीय प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, पूजा होता है, वो सभी लोग देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही बनारस भी है, सिटी घाट, 24 घाट से उसका देव दीपावली भी देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, सजाया जाता है, अच्छा रहता है। ठीक है, हाँ जी, हम इस बात चलेंगे।